जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मन बहुत अशांत है, हम कुछ चीज़ें करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हमको रातों को नींद नहीं आती है, एक विचार में हम डूब जाते हैं, हमारे भविष्य में क्या होगा। हम बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमने एक व्यापार खोल लिया है, पति पत्नी के बीच विवाद तनाव, हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम न जाने कितने सारे कमेंट्स मुझे इन सभी चीज़ों के रिलेटेड मिलते हैं। तो ये सभी का आपको जवाब इस वीडियो में मिलेगा, और जो भी चीज़ें वो बहुत सरल और आसानी से आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और कमेंट्स में आपको लिखना है जय श्री महाकाल। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, दो चार पांच व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर ज़रूर करें। एक और बात है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं, और शुल्क जो है वो व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर आए, वहाँ अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात ज़रूर करें। मन बहुत अशांत है, मन नहीं लगता है, और चीज़ें समझ नहीं आती है कि क्या करें। अगर ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली और मुख्य बात कि जब भी आपको मन अशांत लगे, जब भी मन में ऐसी मन विचलित हो जाए, या तो आप किसी शांत जगह जाकर बैठें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, किसी भी शांत जगह जाके ओम नमः शिवाय कुछ भी मत करें, ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है, कोई निर्णय भी नहीं लेना है, सिर्फ ओम नमः शिवाय या अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। उस वक्त को हमें टालना है जब मन ना शांत हो जाए। जैसे आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको एक दिशा दिखाई देगी, तुरंत 10 मिनट 20 मिनट 15-20 मिनट में ये चीज़ आपके साथ होगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आपका मन अशांत होगा, मन जो शांति की ओर आगे होगा, और चीज़ें फिर आपको समझ आने लगेगी। अगर कई बार हम ऐसी इस ये नहीं कर सकते हैं कि किसी दूसरी जगह जाकर बैठ नहीं सकते, घर में ही है, खासकर महिलाओं के लिए बात कह रहा हूँ, तो आप मन में अंतर जाप चलने दे, ओम नमः शिवाय का जाप चलने दे या अपने गुरु मंत्र का जाप चलने दे, कंटिन्यू। होता क्या, हम 108 बार करते हैं, 1008 बार करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा मंत्र जब जो भी होता है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, जैसे सांस लेना ज़रूरी है वैसे उस मंत्र का जब भी चलते रहना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप हमेशा फॉलो करके रखें। अगर इसे फॉलो करके रखेंगे तो कभी आपका मन अशांत नहीं रहेगा, आपको शांति महसूस होगी, जीवन में संपन्नता महसूस होगी, और जीवन में जो अभाव है वो सभी बाबा भोलेनाथ भर देंगे। ये बहुत बड़ा उपाय मैंने आपसे शेयर किया है। दुनिया आपको भटकाएगी, आपको ठगेगी, पैसे ऐठेगी और चीज़ें कराएगी, दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सीधा सा उपाय बता रहा हूँ, आप इसे करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय महाकाल।